सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। जैसे जैसे आईपीएल पास आते जा रहा है, टीमें अपनी जर्सीज में थोड़ा थोड़ा चेंज लाते जा रही है, तो आज के इस वीडियो में आपको आईपीएल 2020 के लिए आठों ही टीमों की जर्सीज बताने वाला हूँ। एग्जैक्ट आपको फोटो बता दूंगा कि आखिरकार कैसी जर्सीज आठों ही टीमों की आईपीएल 2020 में होने वाली है। लेकिन उसके पहले अगर आप हो आईपीएल के फैन तो वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान रॉयल्स की जर्सी से। तो आप अपनी स्क्रीन पर जर्सी देख पा रहे होंगे, ऐसी ही जर्सी रहने वाली है। सिर्फ आपको जो जेके लक्ष्मी सीमेंट लिखा दिख रहा है वो बदलने वाला है। इनका जो टाइटल स्पॉन्सर है उसकी जगह वर्ल्ड एक्सपो लिखा जाएगा। सो जेके लक्ष्मी सीमेंट को आप हटा दोगे, बाकी कलर तो इनका ऐसा ही रहने वाला है। जो पिछले सीजन इनकी पूरी ब्लू जर्सी होती थी तो वहां पर इन्होंने बहुत ज्यादा मेजर चेंज करा है, लेकिन ऐसी ही जर्सीज आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं अब किंग्स इलेवन पंजाब की जर्सी की। तो किंग्स इलेवन पंजाब ने भी अपना टाइटल स्पॉन्सर बदल दिया है। आज तक की जगह अब एबिक्स कैश इनका टाइटल स्पॉन्सर होने वाला है और इसकी भी फोटो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और एबिक्स कैश के साथ जो डील है इनकी वो 3 साल की है, तो 3 साल तक एबिक्स कैश ही इनका टाइटल स्पॉन्सर रहने वाला है। इसके बाद बढ़ते हैं अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ। तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने पिछले सीजन ही अपनी नई जर्सी पूरी लॉन्च करी थी, क्योंकि ऑब्वियसली नया नाम था। सो यहां पर अब देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स एक चेंज करने वाली है, जो पीछे की तरफ इनका एक नया स्पॉन्सर आया है। एबिक्स कैश इनका भी स्पॉन्सर है, जो किंग्स इलेवन पंजाब का प्रिंसिपल स्पॉन्सर है वो दिल्ली कैपिटल्स का भी स्पॉन्सर है। और एबिक्स कैश आपको दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी पे पीछे लिखा हुआ दिख जाएगा, फोटोज आप पूरी देख पा रहे होंगे। इसके बाद बढ़ते हैं अब चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ। तो सीएसके की जर्सी में कोई चेंज नहीं होने वाला है, जो पिछले 2 या 3 साल से जर्सी चली आ रही है वैसी ही जर्सी आपको देखने को मिलने वाली है। लगभग यार भाई अराउंड मैं अंदाजा मार रहा हूं 1 या 2 साल से इनकी जर्सी में कुछ भी चेंज नहीं आया है, और इस सीजन भी आपको यही सेम टू सेम जर्सी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की। तो हैदराबाद की जर्सी आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इन्होंने एक चेंज करा है। जो कूल विंग्स इनका टाइटल स्पॉन्सर आपको दिख रहा होगा ये हट गया है, उसकी जगह आपको जेके लक्ष्मी सीमेंट लिखा हुआ दिख जाएगा। सो यही चेंज सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने करा है। इसके बाद बढ़ते हैं आप कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ। तो केकेआर की टीम की जर्सी सेम टू सेम दिखने वाली है। नोकिया इनका अभी तक तो भाई टाइटल स्पॉन्सर बताया जा रहा है, लेट्स सी अब आगे आने वाले 1 महीने में क्या टाइटल स्पॉन्सर चेंज होता है। अभी तक तो भाई यही न्यूज है कि नोकिया ही इनका टाइटल स्पॉन्सर रहने वाला है वाली है। इसके बाद बढ़ते हैं अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की हमेशा की तरह 3 जर्सीज होने वाली है। पहली 2 तो है भाई होम जर्सी और अवे जर्सी। जहां पर जो होम जर्सी है उसमें नीचे की तरफ पूरा रेड रहने वाला है, और जो ऊपर चेस्ट के ऊपर वाली जितनी जर्सी है वहां पर आपको ब्लैक कलर दिख जाएगा, और जो अवे जर्सी है उसमें चेस्ट के नीचे आपको पूरी ब्लैक कलर की जर्सी मिलेगी। इवन जो पैंट्स है वो भी ब्लैक कलर की हो जाएगी, और ऊपर आपको छोटा सा एक रेड कलर देखने को मिलने वाला है। और आखिरी बात करते हैं मुंबई इंडियंस की जर्सी की। तो मुंबई इंडियंस की जर्सी में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। सिंपली जो पिछले साल इन्होंने जर्सी लॉन्च करी थी एक अच्छा कलर है वो, और वहां पर जो आप देख सकते हो साइड्स में एक गोल्डन कलर से लाइन खींची जा रही है, गोल्डन कलर का कुछ पैटर्न है, ऐसा ही आपको देखने को मिलने वाला है। और इनका टाइटल स्पॉन्सर भी अभी तक तो भाई सैमसंग ही बताया जा रहा है। सो ये मैंने आपको आठों टीमों की जानकारी दे दी कि आखिरकार आठों टीमों की क्या क्या जर्सीज हो सकती है। मेरी तरफ से फिर आज की यही वीडियो थी। आपको क्या लगता है इन 8 टीमों में से सबसे अच्छी जर्सी किस टीम की है, कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल से बता देना। और आईपीएल 2020 कौन सी टीम जीत सकती है ये भी बिल्कुल से कमेंट करके बता देना। सो फिर अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। मिलूंगा आपसे अगली ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।